मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि अपने एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पूरा हो गया था, आज अपन एक नया सिस्टम लेते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो बाकी वाले जो सिस्टम है ना, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, डाइजेस्टिव है, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है कि किस टाइम उसकी फंक्शन को बढ़ाना है, किस टाइम उसको कम करना है। बाकी वाले फंक्शन को जो है, पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करने का जो काम है वो किसका होता है, अपने को पता है, ब्रेन का होता है। तो ब्रेन किसके अंदर? नर्वस सिस्टम, वो सिस्टम जो बाकी वाले सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, उसको अपन नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व आती है, ये आते हैं। ठीक है, तो अपन वन बाय वन इन सबको समझेंगे। उससे पहले जो है अपन इसको नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो इसके टिश्यू लेवल पे कि ये कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है, इसके अंदर कौन से टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो देखो, नर्वस सिस्टम दो तरह के टिश्यू से मिलकर बना होता है, दो तरह के ऊतक होते हैं इसके अंदर। ठीक है, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, सेलों का समूह। तो दो तरह के इसके अंदर सेल्स टिश्यूज होते हैं, या फिर कैसे कह सकते हैं कि सेल्स का भी कह दो, तो सेल्स इसके अंदर चार तरीके के सेल्स होते हैं। मान लो टिश्यू याद नहीं रहता है, सेल्स के मानो कि भाई नर्वस सिस्टम के अंदर टोटल कितने टाइप के सेल्स होंगे। तो इसके अंदर नॉर्मली जो देखा जाए ना, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चार तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहला है नर्व सेल, या जिसको अपन न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, और तीन ये सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लिया भी कहते हैं इसको, ओवरऑल न्यूरोग्लिया सेल, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और माइक्रोग्लियोसाइट। ये तीन तरह के सेल्स होते हैं ये, जिसको अपन न्यूरोग्लिया सेल्स कहते हैं, और एक होता है नर्व सेल। तो इन सेल्स को अपन वन बाय वन पढ़ेंगे पहले, फिर इसको अपन स्टार्ट करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को समझने के लिए। तो उसको समझने के लिए पहले नॉर्मल फंक्शनिंग को समझने के लिए इनको समझना जरूरी है। तो वन बाय वन अपन इन सेल्स को लेते हैं। तो सबसे पहले आज करेंगे अपन नर्व सेल के बारे में। सबसे पहले नर्वस सेल्स के बारे में, नर्व सेल्स और न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल, इसके बारे में एक जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे इसके अंदर कि ये यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन ही होती है, नर्व सेल से होती है। ठीक है, सबसे पहले आप ये नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है। ठीक है, मतलब ये मेन फंक्शनिंग सेल्स जो है वो यही होता है। ठीक है, उसके अलावा जो जैसे कि जो इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जो मैसेज, जैसे मान लो अपन को कोई चीज़ जो है हाथ पे छूट गई है, तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाना, वापस ब्रेन से जो है मैसेज हाथ तक पहुंचता है कि भाई हाथ को दूर लो। ये जो मैसेज जो है हाथ से ब्रेन तक, ब्रेन से वापस हाथ तक पहुँचाने का काम जो है नर्व सेल ही करता है। ठीक है, तो मेन जो कह सकते हैं यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। दूसरा अपन ये कह सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसमें लिखना नर्व सेल को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है,
पार्ट होते हैं नर्व सेल के, जो नॉर्मली मैंने आपको जब टिश्यू पढ़ाया था तो उसके अंदर थोड़ा बताया था इसके बारे में। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये नर्व सेल जो है कुछ इस तरह से दिखता है। इसके मुख्य तीन भाग कौन कौन से होंगे? सबसे पहला जो ये आप देख रहे हो, ये शाखाएं जो है इसको अपन डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का, जिसको अपन एक्सॉन कहते हैं, और ये पार्ट जो आप बीच में देख रहे हो सेल और ये न्यूक्लियस, इस पार्ट को अपन बोलते हैं सेल बॉडी, सोमा या पेरिकेलियम कहते हैं, ठीक है। तो नर्व सेल के तीन मुख्य पार्ट हो गए, कौन कौन से? सेल बॉडी, ये बीच वाला जितना हिस्सा दिख रहा है आपको, सेल जो दिख रहा है कोशिका, सेल बॉडी, ये इसके आगे की जो शाखा है इसको अपन क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और जो पीछे का ये लंबा भाग है तो आप इसको बोलते हैं एक्सॉन। तो मुख्य इसके तीन पार्ट हो जाते हैं। मुख्य तीन पार्ट हो जाते हैं इसके, कौन कौन से? सेल बॉडी, दूसरा एक्सॉन, तीसरा डेंड्राइट। तीन पार्ट हो गए इसके। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके सेल बॉडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नर्वस सेल्स क्या हुआ, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है या यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, इसको अपन पैरेन्काइमा भी कहते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स भी कहते हैं, मतलब मेन जो फंक्शन करने वाले सेल्स, क्या बोलते हैं इसको अपन? पैरेन्काइमा सेल्स भी कहते हैं, पैरेन्काइमा ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्व सेल को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। अब वन बाय वन इसको अपन पढ़ेंगे। सेल बॉडी कौन सी होती है? सेल बॉडी कितने बना था, ठीक है, फिर बताऊँ इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। देखो ये क्या होता है, एक कोशिका होती है ना, सेल, सेल जैसे सेल होता है, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी अंदर द्रव होता है, इसके अंदर भी द्रव है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है इसके अंदर भी, ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उसके अलावा अपने को पता है कि सेल्स के अंदर जो है सभी चीज़ें होती है, सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, सेंटेरियोर। देखो ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल कोशिका के अंदर पाई जाती है, लेकिन क्या होता है कि नर्व सेल के अंदर ये सभी जो है पाई जाती है, एक चीज़ नहीं होती है, वो है सेंटेरियोर। सेंटेरियोर जो है नर्व सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता है, उसके अलावा सभी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम वगैरह सभी चीज़ें होती है, सिर्फ सेंटेरियोर जो है सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता है, ये याद रखना। तो सेल बॉडी के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि इसके अंदर सेंटेरियोर नहीं होता है, ठीक है, और ये कोशिका नामक स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको कि इसके अंदर सेंटेरियोर नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये हुआ सेल बॉडी के बारे में। दूसरा, सेल बॉडी के बाद अपन बात करते हैं एक्सॉन की।
पूंछ जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है टेल जैसे, ये पूरा यहाँ से लेके थैंक यू ये देखो आप देख रहे हो नीचे वाली स्ट्रक्चर ये कौन सी है एक्सोन। तो एक्सोन कौन सी हुई, ये तो सेल बॉडी के बाद वाली जो संरचना है वो एक्सोन है, ये स्ट्रक्चर में लंबी होती है ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो आप एक्सोन के ऊपर ये देख रहे हो ना तो अपन बोलते हैं मेडुला या माइलिन शीथ या माइलिन शीथ कहते हैं, मेडुला या माइलिन शीथ। ये मेडुला या माइलिन शीथ क्या होती है, जैसे कि आप अपन वायर देखते हैं वायर के ऊपर रबर की कोटिंग्स होती है ना, ठीक वैसा ये काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है। जब क्या होता है कि जब नर्व है स्टिमुलेट हो जाती है, नर्व सेल्स वगैरह जब भी ये मैसेज या जो मैसेज ब्रेन से हैंड से ब्रेन तक पहुँचता है या वापस ब्रेन से हैंड तक पहुँचता है ना, तो मैसेज कैसे पहुँचता है, ये आयंस के एक्सचेंज की वजह से पहुँचता है। तो जो मेनली सोडियम एंड पोटेशियम होता है बस ठीक है नॉर्मल याद, तो ये आयंस जो है ना इनका आदान प्रदान होता है, कुछ अंदर जाता है कुछ बाहर, ऐसे करके मैसेज आगे की तरफ जाता है, सिग्नल्स जो है आगे की तरफ ऐसे जाता है। तो ये क्या करती है मेडुला या माइलिन शीथ, इन आयन को अननेसेसरी जो है बाहर ना जाए, ये करंट जो करंट की फॉर्म होती है नॉर्मली, तो ये जो चार्ज है वो बाहर ना जाए उनको बचा के रहे। जैसे वायर के अंदर होता है ना रबर, किसलिए होता है कि जो करंट जो बाहर ना आए सिर्फ वायर के थ्रू ही सीधा चलता रहे, ठीक ऐसा ये काम करती है ठीक है। मेडुला या माइलिन शीथ जिसको कहते हैं, और इसके अंदर भी एक्सोप्लाज्म पाया जाता है, और ये किसके द्वारा बनाई जाती है, जो बाहर की कवरिंग है ना उसको अपन बोलते हैं शीथ ऑफ स्वान सेल। शीथ ऑफ स्वान सेल ये सब बता चुका हूँ मैं, कि शीथ ऑफ स्वान सेल से ही मेडुला या माइलिन शीथ बनती है, फिर एक्सोन है और एक्सोन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। उसके अलावा अंदर कुछ फाइबर पाया जाता है जिसको अपन न्यूरो फाइबर कहते हैं, ये पूरे सेल बॉडी में भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन न्यूरो फाइबर, न्यूरो फाइबर पाया ठीक है। ये होता है एक्सोन, और ये लास्ट में संरचना जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं न्यूरो गैंग्लिया, टीलोडेंड्रिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो है एक एसिटाइन कॉलिन नामक, एसिटाइन कॉलिन नामक न्यूरो हॉर्मोन्स होता है ठीक है, केमिकल्स होता है जो इसके अंदर स्टोर रहता है। यहाँ पे जब भी क्या होता है कि नर्व सेल स्टिमुलेट उत्तेजित होती है और बाकी आगे वाले नर्व सेल को उत्तेजित करना होता है ना, तो क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन यहाँ से निकलता है और आगे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में अटैच हो जाता है, बस इतना समझो इसको। उसके बाद है थर्ड संरचना डेंड्राइट्स की, तीसरा पार्ट हो जाएगा डेंड्राइट। ये क्या होती है, ये शाखानुमा संरचना होती है जो सेल बॉडी के आगे की तरफ पाई जाती है ठीक है। जो क्या करती है इसमें जो संदेश जो है ना, जैसे कि ये यहाँ पे एक न्यूरॉन होगा, संदेश जो इस तरह से डायरेक्शन ही होता है सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ जाएगा, तो सबसे पहले जो है मैसेज कहाँ आएगा, डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स के पास में आ जाएगा, डेंड्राइट्स इसको फिर सेल बॉडी के पास भेजेगा और सेल बॉडी से फिर एक्सोन से, फिर एक्सोन से वापस टीलोडेंड्रिया, और टीलोडेंड्रिया से फिर आगे वाला जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स में जाएगा। ऐसे करके जो है ये मैसेज आगे की तरफ जो है ट्रांसफर होता रहता है ठीक है।